In previous video, we have studied about the scaling and uh, we have seen that the dimensions of MOS transistor have been scaled down. This gives Hamare two prominent effects, aate hain, short channel effects and narrow channel effects. So, let's see what is the short channel device. When we say that this MOS transistor is short channel device, so we can define in two ways. First one is a MOS transistor is called a short channel device if

ये इफेक्टिव चैनल लेंथ टर्म कब आया था जब हमने चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पढ़ा था तो सैचुरेशन रीजन की बात हो रही है तो इफेक्टिव चैनल लेंथ हमारी जंक्शन डेप्थ के बराबर हो तब हम कहेंगे कि मॉस ट्रांजिस्टर जो है वो शॉर्ट चैनल डिवाइस बन गया है एंड देर आर टू इंपॉर्टेंट फिजिकल फेनोमिना ड्यू टू दिस शॉर्ट चैनल इफेक्ट द फर्स्ट वन इज द इट इम्पोज लिमिटेशन ऑन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स and it will modify the threshold voltage that means the drain current and threshold voltage is going to be vary in short channel device we will study one by one ki drain current or threshold voltage pe kya effect pad raha hai usse pehle ye do points ko note kar lete hain kyunki hum device ko scale down kar rahe hain और अब वो short channel बन गई है यानी channel length जो है वो कम हो गई है So lateral electric field along the channel increases as द इफेक्टिव चैनल लेंथ इज डिक्रीज ओके एंड सेटरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर गई है तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलॉसिटी क्या हो गई इट इज टेंस टू सैचुरेट एट हाई चैनल इलेक्ट्रिक फील्ड वो सैचुरट होने वाली एंड वॉट विज बी द वैल्यू ऑफ दिस सैचरेटेडिटी इट इज टेन टू पॉइंट सेवन सेंटीमीटर पर सेकेंड फॉर ई वाई टेन टू पॉइंट फाइव वोल्ट पर सेंटीमीटर सो द शॉर्ट चैनल इफेक्ट ऑन सैचुरेशन मोर ड्रेन करेंट

रिड्यूस देशन मोड करेंट बिलो द करेंट वैल्यू प्रायवेंशनल लॉन्ग चैनल करेंट इक्वेश तो जो लॉन्ग चैनल करंट इक्वेश हमें अब वैल्यू कम मिलेगी ड्रेन करंट की ड्यू टू दिस शॉर्ट चैनल इफेक्ट थर्ड दैरियर वेलॉसिटी इन द चैनल इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ द नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्पोनेंट ई एक्स जो वर्टिकल हमारी फील्ड ए एक्स है तो वो भी कैरियर वेलोसिटी को डिफाइन कर रही है कैसे कर रही है क्योंकि इस वर्टिकल फील्ड से कैरियर्स में स्कैटरिंग बढ़ रही है स्कैटरिंग बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो सरफेस रीजन पे मोबिलिटी है कैरियर्स की वो रिड्यूस हो जाती है नियरली हाफ हो जाती है बल्क मोबिलिटी के कंपेरिजन में तो यहाँ पर हम एक बोनस कॉन्सेप्ट भी देखते हैं सो द इफेक्टिव सर्फेस मोबिलिटी ऑफ द कैरियर्स इज गिवन बाई दीज टू इक्वेशंस एंड बोथ आर रिलेटेड बाय दिस ई एक्स एंड वी जी एस माइनस वी टी न्यू एनो इज द लो फील्ड सरफेस इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी थीटा एंड ईटा आर इम्पेरिकल कोफिशेंट्स तो हमारी शॉर्ट चैनल डिवाइस में ई एक्स एंड वी जी एस माइनस वी टी सर्फेस मोबिलिटी को रिड्यूस कर देती है बिफोर गोइंग इन टू डिटेल ऑफ शॉर्ट चैनल इफेक्ट ऑन थ्रेशोल वोल्टेज let's uh, recall the some assumptions and their outcomes that we have taken in long channel mos transistor the first one is the channel depletion region was assumed to be created only by the applied gate voltage second the depletion regions associated with the drain and source pn junctions were neglected although in short channel mos transistors द ए एन प्लस ड्रेन एंड सोर्स डिफ्यूजन रीजन इन पी टाइप्स ऑफ स्टेट इंड्यूस अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिप्लीशन चार्ज तो इसका भी रोल है अब हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे एंड थर्ड पॉइंट द शेप ऑफ दिस गेट इंड्यूस्ड बल्ब दैट इज चैनल डिप्लीशन रीजन वॉज एज्यूम टू बी रेक्टेंगुलर एक्सटेंडिंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन फोर्थ वन लॉन्ग चैनल थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्रेशन डेराइव ओवर एस्टिमेट दिप्लीशन चार्ज सपोर्टेड बाई द गेट वोल्टेज एंड द फिफ्थ पॉइंट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज वैल्यू फाउंड अर्लियर इज देअर फॉर लार्जर दैन द एक्चुअल थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द शॉर्ट चैनल मॉस्ट ट्रांजिस्टर तो इन पॉइंट को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि लॉन्ग चैनल डिवाइस के कंपेरिजन में शॉर्ट चैनल डिवाइस में थ्रेशोल वोल्टेज हमारी कम होने वाली है सो दिस इज दिम्पलीफाइड जोमेट्री ऑफ द गेट इंड्यूस्ड बल्ब डिप्लीशन रीजन तो रेक्टेंगुलर शेप नहीं है ये ट्रिपोजाइडल रीजन है एंड सोर्स और ड्रेन के पास में देखिए यहाँ पर हमारी डिप्लीशन रीजन कितनी ज़्यादा है जो हमने पहले लॉन्ग चैनल में इग्नोर की थी सो शॉर्ट चैनल डिवाइस के लिए ये पॉइंट्स हम नोट करते हैं द फर्स्ट वन इज टू रिप्रेजेंट एक्ूरेटली द गेट इंड्यूस्ड चार्ज बल्क डिप्लीशन रीजन इज एज्यूम टू हैव एन ए सीमेट्रिक ट्रिपोजाइडर शेप वाई ए सीमेट्रिक द ड्रेन डिप्लीशन रीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी लार्जर दैन दस डिप्लीशन रीजन बिकॉज द पॉजिटिव ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रिवर्स बाइसिस जंक्शन तो यहाँ जितनी आप पॉजिटिव वोल्टेज देते जा रहे हो ड्रेन टर्मिनल पर इन कंपेरिजन टू सोर्स उतनी ही ज्यादा वहाँ पे रिवर्स बाइसिंग होगी और डिप्लीशन रीजन बढ़ता चला जाएगा इसीलिए ए सीमेट्रिक हो गया एंड द थर्ड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल डिप्लीशन रीजन चार्ज अंडर द गेट इज एक्चुअली ड्यू टू सोर्स एंड ड्रेन जंक्शन डिप्लीशन तो ये आप देख सकते हो कि ये जो है ये यहां पर आपका सोर्स और ड्रेन जंक्शन डिप्लीशन रीजन की वजह से बहुत सारा चार्ज आ रहा है रैदर दैन द बल्क डिप्लीशन इंड्यूस्ड बाई देट वोल्टेज एंड द फोर्थ वन नाउ द बल्क डिप्लीशन चार्ज इज ए स्मॉलर दैन एक्सपेक्टेड तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड टू अकाउंट फॉर दिस रिडक्शन तो काफी कुछ चेंजेस हो गए सो दिस इज द्रेशोल्ड वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट चैनल डिवाइस सो इन दिस एक्सप्रेशन वी नो दैट दिस बी टी नॉट इज द threshold voltage without substrate biasing and delta vto is the threshold voltage shift or the reduction due to short channel effect the reduction term actually represents the amount of charge differential between a rectangular depletion region and trapezoidal डिप्लीशन रीजन तो मेन फैक्टर तो यही है कि जो पहले रेक्टेंगुलर आपने एज्यूम किया था अब वो रेक्टेंगुलर नहीं है शॉर्ट चैनल में वो ट्रेपाइडल है क्योंकि हमने सोर्स और ड्रेन के जंक्शन डिप्लीशन को भी कंसिडर कर लिया नाउ दिस इज द ग्राफ बिटवीन थ्रेशोल वोल्टेज एंड चैनल लेंथ तो आप ये देख सकते हो कि जब हमारी चैनल लेंथ ज्यादा है तो थ्रेशोल वोल्टेज भी ज्यादा है और जैसे जैसे चैनल लेंथ कम होती चली गई यानी शॉर्ट चैनल पर हम आ गए तो थ्रेशोल वोल्टेज भी कम हो गई

वी एल डिज़ाइन में ही आगे करियर बनाने वाले हो तो जो आज आपने इस वीडियो में पढ़ा है ये सारी चीज़ें ही काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं क्योंकि सब माइक्रॉन टेक्नोलॉजी में यही सब इफेक्ट्स शॉर्ट चैनल नैरो चैनल स्केलिंग ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं एंड आई होप आपको समझ में आया होगा एंड इफ केस इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे